नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोठारी आइसर पर। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये है आइसर 45 क्राउन ओपिनियन, तो पार्ट 4 और ये है इसका पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए हमारे YouTube चैनल पर। और ये है पार्ट 5, तो इसमें हमने आपने देखा ही होगा कि पहले हमने जो वुलगेर जो फिटिंग एक्सेल फिटिंग हमने पार्ट 4 में आपको दिखाया है, और इसके बाद नेक्स्ट हमने ये पार्ट 5 बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड वीडियो पूरा देखिए और इसकी मत करिए। तो ये जो हम फिट कर रहे हैं ऑयल सील, जो ब्रेक ऑयल सील कभी कभी लीक हो जाती है तो हमें यहाँ से चेंज करना होता है फ्रेंड्स ब्रेक खोलने के बाद। तो चलिए हम इसको कैसे फिट कर रहे हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूँ, इसमें ब्रेक फिटिंग, मडगार्ड फिटिंग, टायर फिटिंग, यानी पूरा A to Z ट्रैक्टर आपको इस वीडियो में पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड आपने सील देख ली है कहाँ तक बिठाना है, तो ये सील हमारी बैठ चुकी है और ये है सील का नंबर, मैं बता दूँ आपको 41.11.9, ठीक है। तो ये कंपनी ने पहले ये नंबर से आती थी, अब सील इसमें 41.11.9 आती थी, वो 9 आती है सिर्फ, पहले 11.9 थी और अब खाली 9 है। तो चलिए ब्रेक को हम ऐसे साफ कर लेते अच्छे से, जैसे रेगमाल से हम ब्रेक को अच्छे से, ये जो प्लेट है अंदर वाला भाग है इसको क्लीन कर लेते हम, और इसके बाद हम ब्रेक फिट करेंगे। तो ये है इसका ब्रेक, तो जो ब्रेक इसका ड्रम होता है इसको अच्छे से साफ कर लेना है, और अगर पट्टे ख़राब हो तो आपको चेंज कर लेना है। तो पट्टे चेंज की वीडियो में आपको नेक्स्ट भाग में दिखाऊंगा फ्रेंड, उसमें ब्रेक ही ब्रेक का कि उसको जो रिपीट अपन कैसे पंच करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट भाग में मिलेगा इसके। तो चलिए ये ब्रेक हम अच्छे से इसको साफ कर लेते, फ्रेंड आपको धो लेना पहले तो पानी से अच्छी वॉशिंग कर लेना इनकी, और फिर जिसके बाद आपको सफाई करके और इसको फिट करना है। तो देख लीजिए हम कैसे कैसे करते हैं, वैसे वैसे आप भी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये हमारी सफाई हो चुकी है, अब देखना हम कैसे जो छर्रे गोली होती है हमें कैसे डालते हैं। तो ऐसे आपको इसमें 5 गोली है तो ऐसे डाल लेना फ्रेंड, और स्प्रिंग लगते हैं इसमें 3, ठीक है। तो जब भी आप ब्रेक खोलो तो स्प्रिंग तो आपको चेंज करना होता है, तो इसमें नया स्प्रिंग डालना जब भी आप ब्रेक का काम करवाओ, तो या आप खुद घर भी रिपेयर करो तो आपको स्प्रिंग चेंज कर देना। तो चलिए हम कैसे स्प्रिंग फिट करते हैं, पेचकस की सहायता से आपको स्प्रिंग ऐसे फिट कर देना तीनों, और इनको अच्छे से साफ कर लेना फेस, जो ब्रेक का फेस है हमें जो प्रेशर प्लेट का, इनको अच्छे से साफ कर लेना। तो आपने देख लिया हमने कैसे ब्रेक फिट करा। इसके बाद यहाँ पे ऐसे एक प्लेट डालना ब्रेक फिट करने से पहले, और फिर ये ब्रेक डंप को लगा देना है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी फास्ट है फ्रेंड, इसलिए फास्ट करा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता और आप देख नहीं पाते, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया और आपको एडिट करके मैं दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको 14 मिनट 27 सेकंड में आपको पूरा ट्रैक्टर है जो कंप्लीट मैं दिखा सकूँ। तो चलिए हम फटाफट ब्रेक के जो नट है वो कस लेते हैं। और भाई अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट कर दे, कोई डाउट हो आपके मन में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही ट्रैक्टर से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, और भी इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है। तो चलिए हम इसको फटाफट टाइट कर लेते हैं, और ये हमारा ब्रेक ड्रम ये टाइट हो चुका है फ्रेंड, अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल हमारा डल चुका है, छान के डालना ऑयल जब भी डालो आप। और इसके बाद हम ये ब्लेड वाला ट्रैक्टर है फ्रेंड, इसमें ब्लेड लगी हुई है आगे, तो इसमें जो हम नट बोल्ट इसके टाइट कर देंगे ब्लेड वाले। और इसके बाद हम पहले हम इसका जो है कि पहले तो हमें ये नट ही कसना पड़ेगा ब्लेड वाले, फिर नट कसने के बाद हम इसमें है वो दूसरा काम करेंगे।
फटाफट इसमें 24 इसमें विलेट में देखिए ऐसा है कि कोई कोई से नंबर का भी नट पैनल इसमें लगता है, लोकल नट लगे हुए, तो इसका भी से ध्यान रहे, कभी 21 का भी कभी 24 27 का नट लगा रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे नट होगा दो पाना आप ले सकते हो। तो चलिए फटाफट हम इसको टाइट कर लेते फ्रेंड, और फिर अब हम इसमें कसेंगे टापा। हम टापा चढ़ाएंगे अब, क्योंकि पहले हम टापा चढ़ा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम ट्यूब लगा देते इसमें फटाफट। ट्यूब लगाने के बाद ये देख सकते हो इसका हाइड्रोलिक टापा। तो हम फटाफट ट्यूब लगा के टापा में इसके टापे को भी नीचे से साफ कर लेंगे बढ़िया, और फिर हम इसको फिट करेंगे। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा फ्रेंड इस वीडियो में, आपको पूरा ट्रैक्टर इसमें कंप्लीट देखने को मिलेगा हम कैसे करते हैं। तो आपको ट्यूब लगा देना है, ट्यूब या पैकिंग वगैरह फटी हो तो आपको पैकिंग चेंज कर देना है। चलिए ये हाइड्रोलिक टापा हमें से ये हमारे पास क्योंकि ये ब्लेड वाला ट्रैक्टर है फ्रेंड, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें सिस्टम ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो ऐसे हम टापा को बिठा देंगे, और बिठाने के बाद इसमें 19 नंबर नट और 18 नंबर नट भी होते हैं, तो हमें उनको टाइट कर देंगे बढ़िया अच्छे से। तो हम फटाफट टाइट कर देंगे फ्रेंड राउंड के सभी नट, और तो फटाफट हम नट अच्छे से टाइट कर देंगे और चेक चाक करके, और फिर हम इसमें बाकी का सिस्टम कसेंगे। तो चलिए वीडियो बने रहिए, और जो हमारी ट्यूब लगी थी वो हम उसको साफ कर देंगे कपड़े से, ताकि लगे थोड़ा काम में क्वालिटी कि हाँ भाई लगना नहीं चाहिए कि ट्रैक्टर खुला है नहीं से। जैसे कोई मैकेनिक भाई को देखा ट्यूब बहुत सारी पोत देते हैं और वो बाहर लगी हुई रहती है, वो बेकार लगती है। तो चलिए उसको साफ करके फिर आपको ऐसे मडघाट कस देना आपको। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले भी शुरू में वीडियो में बोला था कि फ्रेंड इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये इसमें मडघाट में 22 नंबर डिवरियां लगती है, स्टेड होजिंग में कसे हुए रहते हैं, तो हम इसको कस देंगे फटाफट। फिर इस साइड का हम मडघाट कसेंगे, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड। अभी भी इसमें बहुत कुछ अपने को कसना है अभी। और ये है प्लेट, देख सकते हो आप इसमें ये प्लेट लगाती है। प्लेट रखने के बाद हम मडघाट इसमें कसेंगे। तो ये हम नट लूज करेंगे ताकि जो हमारा वो गुटका है मडघाट वाला वो बैठ जाए, क्योंकि इधर जो ब्लेड की पत्ती क्लेम फंसी है इसकी वजह से हमारे वो गुटका है वो बैठ नहीं रहा मडघाट वाला। तो पहले हम उसको बिठाएंगे और फिर हम इसको नट को खोल के कसेंगे। चलिए अब हम इसको, ये गुटका हमारा बैठ चुका है, अब हम इसमें मडघाट को कसेंगे फ्रेंड्स। और फटाफट मडघाट कसने के बाद हम टायर वगैरह स्वीट वगैरह ये पूरी मतलब ए टू जेड इसमें हम दिखाएंगे इस वीडियो में आपको। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में हमारे।
ये दूसरा मड घाट हमने कसा है फ्रेंड, लाए हैं उठा के और हम इसमें कसेंगे फिट करेंगे। तो हम ढेवरिया 22 नंबर ढेवरी और 22 उठा लेते फटाफट और इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और किसी दोस्त यारों को अपने को शेयर भी कर सकते हो आप। कोई पैसा नहीं लगता ना आपको सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपको लिए बनाते फ्रेंड कि आप देख सको घर बैठे, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हार्डवर्क होता है काम करना और वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम मडघाट फ्रेंड फटाफट कस देंगे और जिसके बाद हम टार लगाएंगे और भी सारे सिस्टम है इसमें, बहुत सारा सिस्टम है अभी हमको जो लगाना है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से दिखाएंगे पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट होते हुए। तो ये देख सकते हो हाइड्रोलिक की और जो टांग होती है वो फिट कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक एक पॉइंट दिखाऊंगा, जैसे मैं ये लगा रहा हूं देख सकते हो आप। ये ऐसे लगाना फ्रेंड फटाफट, आप देख सकते हो कि जो कैसे काम कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइबर तो बनता है फ्रेंड्स। चलिए एक साइड का टायर भी होगा, अब हम दूसरी साइड का टायर लगाएंगे। तो ये फ्रेंड वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अब हम टायर कसेंगे अलाइनमेंट मिला के इसका थोड़ा, ये देखो ये हमारा टायर आ चुका है। अब हम इसको फटाफट ढेरी रस दे लगा देंगे इसमें। तो फ्रेंड आपने देख लिया होगा ट्रैक्टर हमारा समथिंग कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना।